स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद शायद यह पहला मौका होगा जब देश के लोगों ने ऐसी विकट परिस्थिति देखी है, जहां लोग झंडा फहराने को लेकर घरों से नहीं निकल पाए हैं, जैसा कि पूर्व के वर्षों में देखा जाता रहा है। दरअसल इस वर्ष कोरोना वायरस ने देश विदेश सभी जगह काफी आतंक मचा दिया है। वायरस का संक्रमण लोगों में न फैले, इसको लेकर तमाम देशों ने सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन किया है। आज 15 अगस्त है और तमाम भारतीय इस तारीख को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन देश के लोगों में गजब का उत्साह देखा जाता है। आज वही तारीख है जिस दिन अंग्रेजों से हमें आजादी मिली थी। इसी वजह से प्रत्येक वर्ष देशवासियों द्वारा बड़े उत्साह से तिरंगा झंडा फहराया जाता रहा है। इतना ही नहीं, स्वतंत्रता दिवस के दिन परेड को देखने के लिए भी लोगों की होड़ लग जाती थी, जो इस बार कोरोना की वजह से नहीं लग पाई। 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ था। पूरा देश आज आजादी का 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इसको लेकर जिला गोड्डा में भी बड़े पैमाने पर लोगों में उत्साह देखा गया। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत उपायुक्त भोर सिंह यादव द्वारा सुबह 9:05 पर गांधी मैदान स्थित कार्यक्रम स्थल में झंडोत्तोलन किया गया। कार्यक्रम के बतौर मुख्य अतिथि पोड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव उपस्थित रहे। इस दौरान जिला होमगार्ड संघ के बटालियन द्वारा उपायुक्त को सलामी दी। वहीं दूसरी ओर कोरोना काल के इस दौर में उपायुक्त द्वारा पूर्व में ही दिशा निर्देश जारी कर दिया गया था। पिछले वर्ष की तरह इस बार भीड़ तो नहीं देखी गई, किंतु गांधी मैदान में प्रवेश के पूर्व प्रवेश पत्र एवं मास्क लाना अनिवार्य कर दिया गया था। कोविड-19 का संक्रमण न फैले, इसको लेकर एक भी व्यक्ति को गांधी मैदान के अंदर आने नहीं दिया गया जिन्होंने मास्क नहीं पहना था। अत्यधिक भीड़ न हो, इसको लेकर जिला पुलिस टीम पूरी तरह चाक चौबंद नजर आई। वहीं इस बार झंडोत्तोलन कार्यक्रम के पश्चात उपायुक्त द्वारा जिले में अच्छे कार्य कर रहे कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित किया गया। कोरोना के इन सभी वॉरियर्स को इस दौरान उन्हें प्रमाण पत्र देकर नवाजा गया, जिनमें चिकित्सक, नर्स सहित स्वास्थ्य कर्मी शामिल थे। कोरोना वॉरियर्स के लिस्ट में जिले के कुछ अन्य वर्गों के लोगों को भी उनके अच्छे कार्य के लिए उपायुक्त द्वारा सम्मानित किया गया। सम्मानित करने वाले पदाधिकारी में डीसी, एसपी, डीडीसी मुख्य रूप से शामिल थे, तथा पोड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव के हाथों भी कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित किया गया। क्या लगता है, इतना दिन जो आपने नगर पालिका को सेवा दिया, कोरोना वॉरियर्स का उपाधि मिला, इस चीज़ को किस रूप से आप देखते हैं? बढ़िया रूप से देख रहे हैं, कोरोना से भी लड़ रहे हैं। हाय, क्या आपको पता है मैं इतना रिलैक्स कैसे हूँ? क्योंकि मुझे एक सीक्रेट मिल गया है, ज़ेरोसर ऐप। कोरोना से बचना होगा अब और भी आसान जब आप खरीदारी करेंगे ज़ेरोसर ऐप से, वो भी अपने घर पर ही रहकर। स्टे होम स्टे सेफ, ज़ेरोसर ऐप जो आपको बिल्कुल ही मुफ्त उपलब्ध है प्ले स्टोर पे। अपने एंड्रॉयड फोन पे प्ले स्टोर ओपन करें और इसे डाउनलोड करें और घर पर रहें, सुरक्षित रहें। ज़ेरोसर ऐप।